हेलो नमस्कार दोस्तों, तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे कि ईंट भट्ठे में मिट्टी खोदने से कितने ही समस्या होते हैं, मिट्टी खोदने को क्या क्या समस्या का सामना करना पड़ता है, आज इन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। तो देखिए, मिट्टी खोदते वक्त इस तरह का जो ना टूटने वाली मिट्टी भी साथ में आता है, जब जैसे रैम बन जाता है उस ट्रैक्टर चलकर उस पर सख्त हो जाता है, तब इस तरह का मोटे मोटे मिट्टी निकलता है जो टूटता नहीं। अगर टूट भी जाए, ज़ोर से मार कर तोड़ भी दो तो गलता नहीं, वो जितना बड़ा होता है उतना ही रहता है, तो बाद में कहीं चलाने में दिक्कत होता है। तो देखिए, ये जो टूट रहा है ये मिट्टी तो आसानी से गल जाएगा, और इसी में जो नहीं टूटेगा मिट्टी वो समझो नहीं गलता, जो इस तरह कहीं फावड़े मारने से जो बिखर जाए वही मिट्टी गल पाता है। तो देखिए, ये जो मिट्टी है ये गल जाएगा आराम से, और जो ये रहा दूसरे साथ में जो दिख रहा है ये मिट्टी नहीं गल पाएगा। जो ये रहा, ये जितना बड़ा है उतना ही रहेगा, इसे तोड़ कर छोटे कर दो फिर भी उतना ही रहेगा। तो कम से कम 5000 की मिट्टी खोदने पर कम से कम 700 से 800 मिट्टी ऐसे निकलता है। तो ये देखिए, ये जो दिख रहा है ये जो बीच बीच में ये बिल्कुल जम चुका है। तो यही है, जेसबी में जब खोद कर देते हैं तो मोटे मोटे निकलते हैं ये मिट्टी और गलता नहीं। इन्हीं सब समस्या को सामना करना पड़ता है। तो इसी के नज़र रखते हुए मशीन आ रहा है मिट्टी गारा बनाने वाला, उसमें थोड़ा आसानी हो लेबर को, तो वो भी उसमें भी थोड़ा दिक्कत है, पर इससे तो बेहतर है। तो आप जो मिट्टी 5000 की मिट्टी 3 बंदे में खोदने को, 5000 की मिट्टी खोदने में सिर्फ आधे घंटे लगता है, तो ये मोटे मोटे मिट्टी निकल रहा है इसके वजह से 1.5 घंटे से 2 घंटे लग जाता है, तो ये समस्या होता है। अगर आपको जानकारी अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर करना और अपने दोस्तों में शेयर करना। तो देखिए, ये जितना ढेर लगा हुआ है ये सिर्फ 1 महीने का इतना बड़ा ढेर लगा हुआ है, ये तो एक घानी का है, मतलब 5000 मिट्टी खोदने पर इतना सारा निकला हुआ है। तो वो जो सामने दिख रहा है ढेरी, वो है 1 हफ्ते में इतना सारा निकला हुआ है। यही समस्या तभी फेस करना पड़ता है भट्ठे के काम में, फिर खोदने के बाद इस तरह रेडी में उसे उठाकर फेंकना पड़ता है। कम से कम 20 मिनट तो ये लग जाता है, क्योंकि 10 से 15 रेडी फेंकना पड़ता है, इससे भी अधिक हो जाता है, 20 से 25 रेडी भी हो जाता है। पर क्या करें, भट्ठे के काम में ये सभी कामों को करना ही पड़ता है, और इसका अलग से पैसे नहीं दिया जाता, ये भट्ठे मालिक तो अच्छी तरह जानते हैं। जो लोग नहीं जानते हैं उनके लिए ये जानकारी है। और आगे गारा बनाने वाला मशीन आ रहा है इस भट्ठे में, ये भट्ठा है 10वां मुकेरिया मार्केट का, पंजाब होशियारपुर ज़िला। अब यहाँ पर भी गारा बनाने की मशीन आ रहा है NCS भट्ठे में। तो ये देखिए मिट्टी का ढेर जो फेंका हुआ है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, ऐसे ही वीडियो और आते रहेंगे और अच्छी अच्छी जानकारी आते रहेंगे। और इस साल जा रहा हूँ मैं कश्मीर का भी वीडियो डालूंगा अपने चैनल पर। देखिए किस तरह का ये मिट्टी फेंकना पड़ रहा है, पूरा ढीला लगा हुआ है। मैं अपने छत्तीसगढ़ी भाई को कहना चाहता हूं कि मेरे चैनल को खास कर सब्सक्राइब करें, क्योंकि छत्तीसगढ़ के लोग ज़्यादा भट्ठे में काम करने आते हैं, और आपको अच्छी अच्छी जानकारी, अच्छे अच्छे भट्ठे जहां अच्छे काम होता हो उस भट्ठे के बारे में बताऊंगा। इनमें मेहनत भी बहुत ज़्यादा लगता है, इसलिए लोग बीमार भी बहुत होते हैं। सबसे ज़्यादा भट्ठे में बीमारी ये होता है, टाइफाइड, पानी की कमी, शरीर में कमजोरी, कमर दर्द, ये सभी फेस करना पड़ता है, खून की कमी भी हो जाता है। हर एक प्रति भट्ठे में काम करने प्रति बंदे का 5 से 7 किलो वज़न गर्मियों के सीज़न में कम हो जाता है। तो ये सब समस्या को फेस करना पड़ता है। और भट्ठे के काम में 14 से 16 घंटे तक करते हैं मजदूर, क्योंकि ये सीजन वाला काम है। ये जो मिट्टी का ढेर दिख रहा है ये ऐसे कभी नहीं गलेगा, पानी जितना मर्जी डालो, ये बरसात में ही गलेगा, बरसात के पानी में। तो ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, और बेल आइकन को प्रेस करें ऐसे ही वीडियो देखने के लिए। बहुत बहुत